नमस्कार, टेन शेयर्स में आपका स्वागत है। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार थोड़ा ऊपर बंद हुए। अमेरिकी फेड द्वारा दरों में और कटौती के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के बाद सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सेंसेक्स 237 अंक और निफ्टी 38 अंक की वृद्धि पर बंद हुए। जबकि 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती बाजार की अपेक्षाओं के उच्च स्तर पर थी, विश्लेषकों को आने वाले महीनों में दरों में और कटौती की उम्मीद है। फेड ने इस साल 2 और 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का संकेत दिया। आज वीकली एफ एंड ओ सीरीज की एक्सपायरी के कारण भी कारोबार में उतार चढ़ाव रहा। वॉकहार्ट की जांच दवा जेनिच ने जटिल संक्रमणों के प्रबंधन की अपनी क्षमता प्रदर्शित की। पावर मेक प्रोजेक्ट्स को 865 करोड़ रुपए का एंडम ऑर्डर मिला। फीनिक्स मिल्स शाखा ने पंजाब के मोहाली में 2 प्राइम सिटी सेंट्रिक प्लॉट के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई। सुवेन फार्मास्यूटिकल्स ने विवेक शर्मा को नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। 361 वैम के बोर्ड ने क्यूआईपी के जरिए 2250 करोड़ रुपए तक की धनराशि जुटाने को मंजूरी दे दी है। जेएसडब्ल्यू स्टील यूएसए को उसकी ईएसजी पहलों के लिए अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने मान्यता दी। शिल्पा मेडिकेयर ने डॉक्टर श्रीदेवी खम्भमपति को शिल्पा बायोलॉजिकल्स का सीईओ नियुक्त किया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एयूएसएफबी के ग्राहकों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रदान करने के लिए निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल किया है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपना परिचालन विस्तारित किया। थॉमस कुक ने चेन्नई के क्रोमपेट में नया फ्रेंचाइजी आउटलेट खोला। सीईएससी की शाखा पूर्वा ग्रीन पावर ने इकोरेन एनर्जी इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 10 शेयर्स।